क्या हाल है मेरे सफर के साथियों। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष चैनल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी आज हम निकल रहे हैं कांगड़ा से काठगढ़ टेंपल की तरफ। ये टेंपल हिमाचल प्रदेश का हिडन जैम है और इसमें कुछ खास बात भी है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो चलो जी बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रोड जर्नी। तो जी कांगड़ा से काठगढ़ मंदिर का डिस्टेंस सिर्फ 99 किलोमीटर और जो मंदिर है ये है इंदौरा में। तो इसके लिए आपको पठानकोट वाली रोड से होके जाना पड़ेगा। कांगड़ा से काठगढ़ का सफर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ के रास्ते, पहाड़ियाँ और ग्रीनरी इस जर्नी को और भी खूबसूरत बना देती है। तो दोस्तों अभी हमने रास्ते में सोचा यहाँ पे रुके ना, चाय ब्रेक लेते हैं। हिमाचल की सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं तो गर्मा गर्म चाय की प्याली तो बनती है। चलो जी चाय ब्रेक हुई खत्म, अब फिर से करते हैं अपना सफर शुरू। और यहाँ से काठगढ़ टेम्पल रह चुका है सिर्फ 45 किलोमीटर। तो जी अब हम पहुंच गए हैं फोर लेन रोड पर। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की रफ्तार को एक नई दिशा मिलती है। सीधी चिकनी सड़कें और आसमान से गुप्तगू करता सफर ये अलग ही सुकून का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों फाइनली अब आप पहुंचे हैं काठगढ़ टेंपल। अभी टाइम हो चुका है 1:55। वैसे जो मंदिर है बड़ा यूनिक है। यहाँ पे हमने कर दी अपनी कार को पार्क। यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा है यार, काफी तेज धूप है। चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ, बाकी बातें अंदर जाके करेंगे यार। ये मंदिर का आर्किटेक्चर काफी अलग है, यहाँ की बहुत देखने लायक है। ये जगह पीसफुल और स्पिरिचुअल दोनों है, यहाँ आते ही आपको शांति सी फील होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री की। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था और इसका संबंध महाभारत के समय से है। काठगढ़ मंदिर का शिवलिंग भी काफी यूनिक है क्योंकि ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि एक रेयर दृश्य है। इस शिवलिंग की हाइट लगभग 6 फीट है और एक नेचुरल डिवीजन के साथ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनिक शिवलिंग साल के अलग अलग समय पर एक दूसरे के पास और दूर होता है, जो लोगों के लिए एक प्राकृतिक चमत्कार है। कहते हैं कि माँ शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड होता है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों यार आपको मंदिर के साथ में प्यारा सा पार्क भी मिलेगा, अगर आप वन डे टूर प्लान कर रहे हो तो ये परफेक्ट जगह है यार। दोस्तों यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा, क्या लगा। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।